गर्मियाँ बच्चों की दोस्त भी है और दुश्मन भी, अपने साथ छुट्टियाँ लाती है और एनर्जी ले जाती है। नो एनर्जी इज इक्वल टू नो ताकत एंड नो इम्यूनिटी। ऐसे में हमारे बच्चों को चाहिए एक एनर्जी का शॉट जो उन्हें पूरे दिन चार्ज्ड अप रखे। तो इस बार मम्मी का मैजिक में मैं लेकर आई हूँ कुछ ऐसी रिफ्रेशिंग रेसिपीज जो हमारे बच्चों की एनर्जी लेवल्स को रखेगा अप अप अप। जब मुझे मेरा पहला अवार्ड मिला तो मेरी मम्मी ने पहले तो फोटो खिंचवाई जो आपने अभी देखा एंड पूरे मोहल्ले में उन्होंने हलवा बांटा। शी वॉज सो हैप्पी। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि आप लाइफ में जो भी करें अगर आपकी मम्मी आपसे खुश है, आपकी अचीवमेंट से खुश है, देन यू आर सुपर सक्सेसफुल। हेलो एंड वेलकम टू मम्मी का मैजिक। मैं हूं अमृता रायचंद और आप सबका स्वागत है मेरे किचन में जहां आज हम मनाएंगे मदर्स डे। जी हाँ, हम हमेशा सेलिब्रेट करते हैं एक माँ को इस किचन में, लेकिन आज का ये एपिसोड मैं डेडिकेट करूंगी अपनी मामा को। अपनी मामा की अगर मैं बात करूँ तो उनकी फेवरेट रेसिपी जो उन्हें बनाने में बहुत मज़ा आता है वो है हलवा। She loves making halwa and I just love eating it. तो जाहिर है मैंने हलवा बनाना अपनी मम्मी से ही सीखा, लेकिन आज मैं उसे अपने किचन में बनाऊंगी with little bit of my magical twist. चलिए बनाते हैं apple halwa. तो चलिए let's begin. Apple halwa है तो naturally इसमें apples पड़ेंगे, right? तो चलिए हम लेंगे Washington apples which are lovely, juicy, fresh and nice and red in color. Apples are so healthy. दांतों के लिए अच्छा होता है, dietary fiber में भरपूर होता है. They are really lovely. इन्हें साइड से काट के हम ग्रेट करेंगे. पहले इसे छिल लेते हैं. ओके, चलिए अब इसे साफ कर देते हैं. मेरी मम्मी ने तो मुझे बहुत आटे का हलवा, सूजी का हलवा खिलाया है, लेकिन मैं उनके लिए एप्पल का हलवा बना रही हूँ क्योंकि एप्पल्स आर वेरी गुड फॉर द हार्ट ऑल्सो, तो इसलिए मैं उनके लिए हेल्दी हलवा बना रही हूँ। चलिए अब इन एप्पल्स को हम ग्रेट कर लेंगे। ध्यान से उसके बीज ना ग्रेट हो जाए। ओके, चलिए लवली, ये एप्पल्स हमारे ग्रेट हो गए हैं। एक पैन को हम गर्म करने के लिए रखेंगे और इसमें हम क्या डालेंगे? हम डालेंगे प्योर देसी घी। जी हाँ, हलवा और घी के बिना कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनता है। और अगर माँ आपके लिए हलवा बनाए और उसमें घी ना डाले, ये भी कभी नहीं हो सकता है, राइट? भाई मैंने तो बचपन में बहुत हलवा खाया है, अब मामा को हलवा खिलाती हूँ वो भी हेल्दी ट्विस्ट के साथ। चलिए घी जैसे ही गर्म हो जाए उसमें ये एप्पल हम डाल देंगे, एप्पल जो मैंने ग्रेट करके रखा है। ऑलराइट, इसे थोड़ी देर पकने देंगे। अब आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोज रेयर रेसिपीज जिसमें एप्पल के साथ सिनेमन पाउडर नहीं जा रहा है। अब आफ्टर ऑल हलवा बन रहा है ना, तो सिनेमन पाउडर कैसे जाएगा भला? इसमें तो भाई इलायची पड़ेगी, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। अभी फिलहाल इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा दूध। और फिर इसे थोड़ी देर पकने देंगे। ओके, राइट, ये अच्छे से पक रहा है। बस अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा खोया, थोड़ी चीनी, थोड़ा सा हम इसमें खोया डालेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी चीनी। अच्छा, एक बात मेरी मम्मी की बड़ी कमाल की है कि मम्मी ने कभी ये बोल के नहीं सिखाया कि इसमें एक स्पून चीनी का डालो या दो स्पून। हर चीज़ मम्मी का अंदाज से ही बनता था। आई डोंट नो हाउ शी ऑलवेज गॉट इट राइट। कभी भी उन्होंने कोई रेसिपी बुक नहीं फॉलो की, कभी भी कोई यू नो मेजरमेंट्स के टेक्निक्स नहीं फॉलो किए, बट समहाउ शी हैज दीज मैजिक फिंगर्स, जो बनाती हैं कमाल का बन जाता है।
well, मुझे तो थोड़ा बहुत मेजरमेंट का ध्यान रखना ही पड़ता है. आई डोंट थिंक आई हैव द सेम मैजिकल टच. और डू आई? आप ही बोलिए. चलो मैंने इसमें थोड़ा सा आमंड्स डाला है, स्लाइस आमंड्स, थोड़े से अखरोट और इलायची पाउडर, इसलिए खुशबू बहुत ही कमाल की आ रही है. बस इसे थोड़ी देर और पकने देंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स एक दूसरे के साथ अच्छे से हिल मिल जाएं. चलिए, लवली हलवे का कलर आ गया है, हलवे वाली फील आ गई है. इवन दो मैंने इस हलवे को एप्पल के साथ बनाया है क्योंकि इसमें हमने मावा डाला था, फिर थोड़ा दूध डाल के भी इसे पकाया था, तो वो हलवे वाला देखिए टेक्सचर आ गया है थैंक्स टू द मावा. तो बस ये हलवा हमारा तैयार हो गया है. अब हम लेंगे एक प्यारा सा बोल. देखिए इसका कलर कितना क्यूट है, अ नाइस लिटिल ब्लू सॉसर विद अ रेड बोल. यू नो मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ आई लव पिकिंग अप दीज कलरफुल क्रॉकरीज, ये छोटी छोटी चीज़ें जो किचन को और आपके डाइनिंग टेबल को और भी ब्यूटिफाई कर दे. तो चलिए इस क्यूट रेड बोल में इस हलवे को निकाल लेते हैं. आई होप मेरी मम्मी को ये पसंद आए. आटे का हलवा तो उन्होंने मुझे बहुत खिलाया है, खुद भी खाया है. ऑलराइट, हलवा तो तैयार है. अब इसके ऊपर थोड़े से अखरोट स्प्रिंकल कर देंगे. घर में आपके किशमिश है तो आप वो भी डाल सकते हैं. बच्चों को शायद ड्राई फ्रूट्स मुंह में आए वो बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन बड़ों को तो बहुत अच्छा लगता है. जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स आप उनके खाने में डाल के उन्हें प्रेजेंट करेंगे, उन्हें लगेगा कि आप उनसे उतना ही ज़्यादा प्यार करते हैं. आई नो होता है ऐसा, हम सब जानते हैं, स्पेशली मामाज के साथ तो ऐसा हमेशा होता है. चलिए मामाज को खुश कर लीजिए, जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स डालना है डाल लीजिए, लेकिन फिलहाल देख लीजिए इस रेसिपी का एक क्विक रीकैप. हलवा, एक नॉनस्टिक पैन में घी को हीट कर ले, ग्रेटेड एप्पल्स को ऐड करें और कुक करें टिल सॉफ्ट. कंटिन्यूअसली स्टर करें, मिल्क और खोया ऐड करें, मिक्स वेल और सिमर करें 7 से 8 मिनट के लिए. अब ऐड करें शुगर, इलायची पाउडर और चॉप्ड ड्राई फ्रूट. मिक्स वेल एंड कीप असाइड टू कूल. गार्निश करें चॉप्ड वॉलनट्स के साथ और सर्व करें. ऑलराइट, एप्पल हलवा तो बन गया है जो मैंने स्पेशली अपनी मम्मी के लिए बनाया है, लेकिन जिसे सारे बच्चे बहुत पसंद करेंगे. लेकिन छोटे बच्चों को भी तो हलवा पसंद है ना, लेकिन आप उन्हें इस टाइप का हलवा तो खिला नहीं सकते, तो क्या खिला सकते हैं जानना चाहते हैं? लीजिए एक छोटा सा ब्रेक एंड बी बैक वेरी सून बिकॉज आई विल बी रेडी विद दैट रेसिपी. बनाते हैं मज़ेदार जवार बनाना शीरा.